एंटोमोलॉजी की आज की इस क्लास में आप लोग पढ़ेंगे डिजीजेस एंड एनिमीज ऑफ सिल्क वर्म, है ना। सिल्क वर्म में कौन कौन सी बीमारियां और कौन कौन से कीट लगते हैं, एनिमीज उनके जो शत्रु हैं वो कौन कौन से लगते हैं, उसके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। तो प्रमुख रूप से जो इनमें डिजीजेस होती हैं वो वायरल डिजीजेस होती हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस होती है, फंगल डिजीज होती हैं, और प्रोटोजोआ द्वारा काउज डिजीजेस होती हैं, जिनको बोलते हैं प्रोटोजोअन डिजीज, है ना। तो ये इसमें कुछ मेजर डिजीजेस दी हुई हैं जो हमारे जो है क्या बोलते हैं प्रमुख रूप से सिल्कवर्म इंडस्ट्रीज, सिल्क इंडस्ट्रीज को प्रभावित करती हैं और सिल्कवर्म पे डिजीज लगती हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है वो आपका पेब्रिन डिजीज। पेब्रिन डिजीज क्या है, प्रोटोजोअन डिजीज है ना, जिसका की कॉजल ऑर्गेनिज्म है नोसीमा बोम्बाइसिस। और नंबर दो और नंबर चार की डिजीज जो दी है फ्लेचरी और ग्रेसरी, है ना, ये जो है ये वायरल डिजीज है ना। फ्लेचरी और ग्रेसरी जो है वो वायरल डिजीज है, और फ्लेचरी कॉज्ड की जाती है स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज से, जबकि ग्रेसरी जो होती है वो एनपीवी न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस के जरिए कॉज की जाती है। और जो मस्कार्डियन डिजीज है नंबर तीन पे जो दिखाई गई है, ये मस्कार्डियन डिजीज जो है ये क्या होती जाती है, एक फंगल डिजीज है ना, जो कि बेवेरिया बेसियाना, है ना, एस्परजिलस, स्पिकेरिया, प्रेसिना, इसके जरिए जो है कॉज की जाती है। अभी हम लोग डिटेल में एक एक करके इन सब डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन लोग वायरल डिसीज से। ये देखिए फोटो में दिखा रहा है ग्रेजरी और फ्लैचरी, है ना, ग्रेजरी और फ्लैचरी। फ्लैचरी में ये इसमें चित्र दिखाया गया है कि जो इन्फेक्टेड सिल्कवर्म की लार्विया हैं वो किस तरीके की दिखाई देती हैं, इनके सिम्टम्स किस तरीके के दिखाई देते हैं, जबकि ग्रेजरी से इन्फेक्टेड वायरल डिसीज जो है, इस ग्रेसरी से इन्फेक्टेड लार्वी जो है सिल्कवर्म की लार्वी वो कैसी दिखाई देती है ना। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग फ्लैचरी, है ना। फ्लैचरी जो है क्या है, एक डिसीज है, किसमें लगती है, सिल्कवर्म में लगती है ना, जो कि आपका कैसी डिसीज है, वायरल डिसीज है, और जो कि कॉज्ड की जाती है पुअर न्यूट्रिशन। अगर जो पत्तियां दी जा रही है उसमें प्रॉपर वे में न्यूट्रिशन नहीं है, या पत्तियों का अभाव हो गया है, फूड होस्ट प्लांट का फूड उसको नहीं मिल रहा है ना, और या नहीं तो कंटामिनेटेड लीव्स दे दी गई हैं उनको, है ना, लार्वी को कंटामिनेटेड लीव्स दे दी गई हैं, और वो लीव्स जो है कंटामिनेटेड है किससे, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज से, स्टेफिलोकोकस स्पीसीज, बैसिलस थुरिंजियंसिस, है ना। ठीक है, इस तरीके की इन्फेक्टेड जब लीव्स भी दे दी जाती हैं तो उसके जरिए भी फ्लैचरी डिसीज जो है कॉज होती है। तो इसका सबसे बड़े सिम्टम्स में एक होता है कि ये देखिए जो इन्फेक्टेड लार्वीज हैं, है ना, वो कैसी हो जाती हैं, काली हो जाती हैं, टर्न ब्लैक, है ना, और मर जाती है। और इसके जब छुओगे इस लार्वी को तो इसमें से ना बहुत गंदी बदबू आती है ना, एकदम से गंदी बदबू निकल दिखाई देती है, और इसकी जो स्किन है ना वो बहुत ही नाजुक हो जाती है, एकदम फ्लैशिड हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है ये फ्लैजरी डिसीज है। फ्लैजरी डिसीज के जो है ना अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो हमको जो भी मलबरी की लीव्स देनी है उनको, जो भी होस्ट प्लांट की लीव्स देनी है सिल्कवर्म को, वो क्या कराना है, क्वालिटी लीव्स हमको देनी है, अच्छी क्वालिटी की लीव्स देनी है, जिसमें लीव्स में किसी प्रकार का कोई जो है फंगल या किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह ना हो, है ना, और ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशंस पे, है ना, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी। जो पिछली क्लास में देखा था कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जितनी ऑप्टिमम होनी चाहिए, अनुकूल होनी चाहिए, उतनी ही कंडीशंस पे रेयरिंग होनी चाहिए। और रेयरिंग हाउस जहाँ पे सिल्कवर्म की रेयरिंग की जा रही है, और जितने भी अप्लायंसेस हैं जो सिल्कवर्म इंडस्ट्रीज में लग रहे हैं, उन सब का जो है आपको क्या करना है, अप्लायंसेस का अच्छे से डिसइंफेक्शन करना है, उनको डिसइंफेक्ट कर लेना है अप्लायंसेस को, है ना, और साथ साथ जिस कमरे में सिल्कवर्म रेयरिंग की जा रही है उस कमरे को भी डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी होता है ना। और जिसमें जिस बेड में जो है अपन देखा था रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म पिछली क्लास में, तो जो बेड होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करना है। ये विजेता या इसको बोलते हैं रेशम कीट औसत, है ना, जो हर एक मोल्ट के बाद जो है हमको क्या करना है, लार्वी जब मोल्ट करती है तो हमको इसको डिसइंफेक्ट करना है ना। और जो उसके अलावा सोरेलिया कॉरलीफोलिया, है ना, जो है उसका छिड़काव करना है मलबरी लीव्स के ऊपर 1% से, है ना, और जो है फीड कराना है इसी से जो है हमको वर्म्स को ड्यूरिंग द थाउजेंड स्टार्स, है ना।
और इसके अलावा जो हमको सिल्कम एग्स लेने हैं वो किससे लेंगे हम लोग, जो स्वस्थ पेरेंट्स हैं है ना, फीमेल्स जो हैं स्वस्थ हैं उनसे हम लोग सिल्कम के एग हैं प्रोक्योर करेंगे। तो इस प्रकार से जो है अपन लोग देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट ट्रेजरी डिसीज का किस तरीके से। देन दूसरी डिसीज होती है जो कि वायरल डिसीज ही है, जिसका कॉज्ड है आपका ये, इसका नाम है ग्रेजरी डिसीज, जो कि कॉज की जाती है न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोसिस वायरस के जरिए, है ना, ठीक है। और ये देखिए चित्र में जैसे देख रहे हैं आप, तो लार्वी जो होती है वो कैसे हो जाती है, मिल्की व्हाइट फ्लूड कलर की हो जाती है ना, ये मिल्की व्हाइट जो फ्लूड निकलता है लार्वी से वो सफेद रंग का फ्लूड निकलता है ना, ठीक है। और स्किन जो होती है इन्फेक्टेड लार्वी की वो कैसे हो जाती है, शाइनी चमकदार काली सी हो जाती है ना, और ये लार्वियां मोल्ट करके आगे इंस्टार में नहीं बढ़ पाती है ना, और जो इनका बॉडी का कलर है लार्वी का वो डार्क ब्लैक कलर का हो जाता है ना, और जो इन्फेक्टेड लार्वी है वो रेस्टलेसली मूव करती हैं रेयरिंग बेड में, बहुत कम सुस्त तरीके से चलती हैं, और जो जिस रेयरिंग बेड होता है और रेयरिंग जो ट्रे होती है हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था उसके कॉर्नर पे जा करके ये रेस्ट करने के लिए प्रिफर करती है ना, और इन्फेक्टेड लार्वी की जो बॉडी होती है उनको जब छुएंगे तो वो इजिली रप्चर हो जाती है, बस्ट हो जाती है, और उसमें से जो है आपका डर्बिट व्हाइट कलर का जो है ना हीमोलिम्फ है ना, बॉडी का जो खून है ना, जो ब्लड है हीमोलिम्फ जो है वो उससे जब अपन छूते हैं तो रप्चर होकर के हीमोलिम्फ जो है वो बाहर आने लगता है। ग्रेजरी डिसीज के मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि हम रेयरिंग हाउस जहाँ पे हम सिल्कम की रेयरिंग कर रहे हैं उसको क्या करें, डिसइंफेक्ट कर दें है ना, डिसइंफेक्ट करें, और साथ साथ हम लोग डिसइंफेक्शन का कार्य ब्लीचिंग पाउडर के जरिए भी कर सकते हैं, और एक जो 0.3% लाइम सॉल्यूशन है ना इसके जरिए भी हम लोग डिसइंफेक्शन का कार्य कर सकते हैं, और हाइजीन कंडीशंस प्रॉपर साफ सुथरी स्थितियां रखनी है, उसमें बहुत गंदगी नहीं होनी चाहिए, गंदा होगा तो ये डिसीज का अटैक ज्यादा रहेगा है ना, और जितनी भी डिसीज लार्वी हैं उनको इकट्ठा कर लें और प्रॉपर उसका डिस्पोजल करें, उनको खत्म कर दें है ना। इसमें भी वही है, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी रेयरिंग हाउस में मेंटेन करते जाए, फीड की जो क्वालिटी है मलबरी लीव्स जो दी रही है वो अच्छी क्वालिटी की लीव्स दी जाए, और लार्वी की संख्या जो है ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए है ना, और बेड को टाइम टू टाइम डिसइंफेक्ट करते चले जाना है ब्लीचिंग पाउडर से या लाइम सॉल्यूशन से, और जो है उसका एक शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के तहत उसको क्या करना है, बेड को डिसइंफेक्ट करना है। तो ये हो गई वायरल डिसीज। दूसरी होती है बैक्टीरियल डिसीज है ना, तो बैक्टीरियल और वायरल डिसीज जनरली क्या होता है, इंडिविजुअली बहुत कम आती है, ये कॉम्बिनेशन में ही ज्यादातर दिखाई देती है ना, ठीक है, कॉम्बिनेशन में ही दिखाई देती है, और ये इनका मुख्य कारण वही होता है जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है ना, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में जो है आपका फ्लक्चुएशन होने के कारण से ये सब बीमारियां होती हैं। तो बैक्टीरियल डिसीज की अगर अपन बात करें तो जो लार्वी है अगर बैक्टीरियल डिसीज से इन्फेक्टेड है ना, तो वो क्या कर जाती है, लेथार्जिक हो जाती है, बड़ी ही सुस्त सी हो जाती है लार्वी है ना, और एकदम सी फ्लैसिड टाइप की हो जाती है, डेथ के समय में ना मोटीपन लिए हुए एकदम से है ना, और सुस्त सी हो जाती है ना, और उसकी जो सरफेस पे लार्वी की सरफेस पे आप देखेंगे कई सारे ना ऐसे छोटे छोटे से ब्लैक से स्पॉट्स और जैसे ऑयल स्पैक्स जैसे दिखाई देते हैं है ना, ठीक है, और जब इनको छुआ जाता है ना, तो ये क्या हो जाते हैं एकदम से ना पीछे टाइप के भी हो जाते हैं, और कई बार ममीफाइड भी हो जाते हैं, जैसे कि फंगस के केस में होता है उस तरीके से ममीफाइड भी जो है ना सफेद और हरे रंग के हो जाते हैं है ना, ठीक है। और जो डिसीज प्यूपी रहेगी, जिसमें प्यूपी में अगर हो गया है डिसीज लग गई है, तो वो कैसे हो जाएगा, हार्ड हो जाता है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसके सिम्टम्स होते हैं, और डिसीज लार्वी की ग्रोथ जो होती है वो कैसे हो जाती है, रुक जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है ना, बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है ना, ठीक है। और सिफेलिक रीजन जो है ना, जो थोरेसिक पोर्शन का जो होता है गर्दन हेड और थोरेस के पास का जो सिफेलोथोरेसिक रीजन होता है वो ट्रांसलूसेंट हो जाता है, लार्वी जो है अपने ओमिट करने लगती, उल्टी करने लग जाती है ना, डिसेंट्री होने लग जाती है और जो है आपका लार्वी अंत में खत्म हो जाती है। इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हमको क्या करना है, हाइजेनिक कंडीशंस को मेंटेन करना है, रेयरिंग रूम को डिसइंफेक्ट करना है, जो अप्लायंसेस रेयरिंग अप्लायंसेस यूज कर रहे हैं उनका डिसइंफेक्शन करना है, डिसइंफेक्शन वर्म का करना है ना, और जो भी जो
सिक वर्म्स हैं उनको क्या कर देना है, जो बीमार हैं वर्म्स हैं, वो डिजीज्ड वर्म्स हैं उनको उठा करके अलग कर देना है ना। ओवर क्राउडिंग ट्रेस की नहीं करनी है, उसकी जो लार्वी की पॉपुलेशन है ना वो ओवर क्राउडिंग नहीं करना है, और लार्वी में जो ट्रे के अंदर जो लार्वी रहेंगे उनकी पॉपुलेशन को प्रॉपरली मेंटेन करते चले जाना है ना, ठीक है। और लार्वी को फीडिंग करना है हमको क्या, अच्छी हेल्दी लीव्स के जरिए करना है ना। और अगर मान लो उसमें डिजीज दिख रही है तो हमको पहले सबसे पहले उसका डायग्नोस कर लेना है कि ये क्या है, और उसका जो इन्फेक्टेड लॉट्स है उसको अपने को जल्द से जल्द डायग्नोस करके अलग कर देना है ना, ठीक है। और अवॉइड करना है स्प्रेइंग केमिकल्स है ना, बीटी इंसेक्टिसाइड्स जो है उसका स्प्रे कहीं नियर मलबरी लीव्स में नहीं हुआ है, मलबरी फील्ड में नहीं हुआ है, इसका हमको ध्यान करना है। और उसको ऐसी लीव्स में अगर बीटी का स्प्रे हुआ है तो उन लीव्स को इनको नहीं देना है, ठीक है। और एंटीबायोटिक्स जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पीसिलिन, इन एंटीबायोटिक का हमको क्या करना है, एप्लीकेशन करना है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल के बाद होता है फंगल डिसीज। फंगल डिसीज में कई अलग अलग डिसीज हैं, जिसमें कि एक बोलते हैं मस्कार्डियन डिसीज है ना। तो ये देखिए चित्र में दिखाई दे रहा है पूरा मस्कार्डियन डिसीज में, तो मस्कार्डियन डिसीज भी जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है ना। तो जो व्हाइट मस्कार्डियन डिसीज और ग्रीन मस्कार्डियन डिसीज मेन रूप से दो होती है। व्हाइट मस्कार्डियन डिसीज जो होती है वो बेवेरिया बेसियाना फंगस जो होती है, बेवेरिया बेसियाना जिसका कि कॉजल ऑर्गेनिज्म है बेवेरिया बेसियाना, उसके जरिए व्हाइट मस्कार्डियन डिसीज कॉज की जाती है। जबकि ग्रीन मस्कार्डियन डिसीज जो होती है वो फंगस है स्पिकेरिया प्रेसिना ना, स्पिकेरिया प्रेसिना जरिए के जरिए ग्रीन मस्कार्डियन डिसीज कॉज की जाती है। इसके अलावा एस्परजिलस जिस डिसीज का नाम होता है एस्परजिलोसिस है ना, वो यंग सिल्कवर्म में बहुत कॉमन होती है ना, और जो है आपका ये कॉज किया जाता है एस्परजिलस फ्लेवस। और जो रस्टी ब्राउन है ना, एक डार्क ग्रीन होती है एस्परजिलस में, एस्परजिलस फ्लेवस के जरिए कॉज की जाती है, जबकि रस्टी ब्राउन जो होती है वो एस्परजिलस टेमेरी है ना, वो उसके जरिए कॉज की जाती है। तो ये है मस्कार्डियन, मस्कार्डियन का बेसिकली आपको मैंने बताया व्हाइट मस्कार्डियन बेवेरिया बेसियाना, जबकि ग्रीन मस्कार्डियन स्पिकेरिया प्रेसिना के जरिए कॉज किया जाता है। उसके अलावा जो एस्परजिलस की भी जो डिसीज होती है उसको भी मस्कार्डियन डिसीज ही बोला जाता है ना। तो इसमें जो फंगस का माइसीलिया है ना, वो यंग एज लार्वी जो होती हैं उनको ज्यादा इन्फेक्ट करता है, और इससे जो इन्फेक्टेड लार्वी है वो कैसी हो जाती है, मोटी सी हो जाती है, फ्लैसिड सी हो जाती है, मर जाती है ना। और जैसे नाम है व्हाइट मस्कार्डियन तो उसकी बॉडी कैसी हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी। ग्रीन मस्कार्डियन के केस में इनकी बॉडी जो है ये देखिए जैसे दिख रहा है ये पूरी की पूरी ग्रीन कलर की हो जाती है, व्हाइट मस्कार्डियन के केस में ऐसी व्हाइट हो जाती है ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली माइसीलियल ग्रोथ है, फंगस की जो माइसीलियल ग्रोथ है वो उसकी बॉडी के ऊपर दिखाई देती है, जिसके कारण से ये जो है ना ये चौक के जैसी व्हाइट मस्कार्डियन चौक के जैसी ग्रीन वाली जो है ना आपका बिल्कुल डस्टी ग्रीन जैसे जो कलर होते हैं डार्क ग्रीन कलर, उस तरीके का जो है दिखाई देता है। और ये सब क्या है, माइसीलियल ग्रोथ है ना। और इन्फेक्टेड लार्वी जो होती है वो पीपा में कन्वर्ट नहीं हो पाती है ना, और बाद में लेटर स्टेज में चल के पिंक कलर की भी इन्फेक्टेड लार्वी हो जाती है, बॉडी जो है बिल्कुल हार्ड हो जाती है, मॉमीफाइड लार्वी है ना, मॉमीफाइड लार्वी हो जाती है। और इनको जब आप तोड़ेंगे तो जैसे चौक होती है ना, अपने पढ़ाने वाली जो चौक होती है चौक जैसे टूट जाती है, उस तरीके से इनकी बॉडी टूट जाती है ना। तो मस्कार्डियन डिसीज जो है वो फंगल डिसीज है। और इसके मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी जो रेयरिंग अप्लायंसेज है उनको अच्छे से क्लीन करना है, उन अप्लायंसेज को हम लोग धूप में रख करके सुखा भी सकते हैं और सन ड्राइंग कर सकते हैं, उनको बोलते हैं सन ड्राइंग है ना रेयरिंग अप्लायंसेज की। और रेयरिंग रूम को डिसइनफेक्ट करना है, उनके जो यूटेंसिल्स हैं जो यूज आ रहे हैं जितने भी अप्लायंसेज यूज आ रहे हैं उनको 5% ब्लीचिंग पाउडर के जरिए डिसइनफेक्ट कर लेना है ना। लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी है ना वो अवॉइड करना है, लो टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी कमरे में रेयरिंग रूम में नहीं होना चाहिए। और रेयरिंग बेड जो है वो कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब उसमें लीफ ही लीफ भरी हो, ऐसी मोटी सी लीव है उसकी बेड बना दी, ऐसा नहीं है, थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। और पत्तियां जो है वो सूखी होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए पत्तियां है ना, पत्तियां इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए है ना। और अगर कोई इन्फेक्टेड लॉट्स दिख रहा है तो हम शुरू में ये डायग्नोस करके उनको अलग कर दें। इसके अलावा जो है डायथेन M45 है ना, ये 3 kg 100 DFLs है ना या विजेता सप्लीमेंट है ना, वो उसके जरिए भी हम लोग लार्वी का डिसइन्फेक्शन कर सकते हैं। यहाँ बात आती है
डीएफएल्स, डीएफएल्स मतलब होता है डिसीज्ड फ्री लेइंग्स, है ना, डिसीज्ड फ्री लेइंग्स, अर्थात जो लार्वी है वो लार्विया जो है डिसीज फ्री होनी चाहिए, है ना। तो लगभग लगभग एक डीएफएल्स में जो है वो 500 के लगभग लार्वी आती हैं, है ना, ठीक है, एक डीएफएल्स में 500 के लगभग लार्विया होती हैं, है ना, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है अपना इसका मैनेजमेंट हम लोग इसके रेयरिंग रूम को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, ट्रेस को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं अपन 4% पेंटा क्लोरोक्विनॉल, है ना, इसके जरिए जो है करने से हमको एस्परजिलस जो है एस्परजिलोसिस डिसीज जो है उसका कंट्रोल, उसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर एक होती है डिसीज जिसका नाम है पेब्रिन डिसीज। ये क्या है, पेब्रिन डिसीज प्रोटोजोआ डिसीज है ना, प्रोटोजोआ के जरिए कॉज की जाती है। इस प्रोटोजोआ का नाम है नोसीमा बोम्बाइसिस, है ना, ठीक है। इसकी सबसे बड़ा सिम्टम्स ये होता है, ये देखिए जैसे ये ना पीपर, पीपर होती है ना ब्लैक पीपर, तो काले तिल के जैसी, है ना, ब्लैक पीपर, पीपर लाइक स्पॉट्स, है ना, ये लार्वी की बॉडी के ऊपर जो है दिखाई देता है, है ना। स्किन्स जो है, स्किन जो होती है वो कैसी जाती है, लचीली हो जाती है, है ना, और डल इन अपीयरेंस हो जाती है, एकदम डल हो जाती है ना। और हाईली इन्फेक्टेड लार्वी जो है वो प्यूपा प्यूपेट करने में फेल हो जाती है। एक मिनट, है ना, जरा मेरा बैटरी वो हो गई है, मैं दूसरी वो लगाता हूँ, जरा एक मिनट, हाँ एक सेकंड। तो पेब्रिन डिजीज देखा आपने कि जो लार्वी होती है, इन्फेक्टेड लार्वीज जो है ना उसके ऊपर पेपर लाइक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, है ना, और जो कि इसके मेजर सिम्टम्स हैं। स्किन जो होती है वो रबरी रचीली लचीली सी हो जाती है और डल डल इन अपीयरेंस हो जाती है, है ना। हाईली इन्फेक्टेड लार्वीज जो होंगी वो क्या करेंगी, प्यूपेशन में नहीं जा पाती है, प्यूपेट करने में उनका प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यही यही प्रोटोजोआ डिजीज है, इसकी देखिए लार्विया दिखाई दे रही है, है ना ये। और लार्वी की जो डिसीज लार्वी हैं उनकी ग्रोथ जो हो जाती है वो स्लो हो जाती है, है ना, ठीक है। बॉडी का जो साइज है अंडर साइज हो जाता है और इनको भूख कम लगती है ना। डिसीज लार्वी जो है वो पेल हल्के फैड कलर की हो जाती है, फ्लैशिड बॉडी हो जाती है, है ना, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है जो मैंने अभी आपको बताया ये सब सिम्टम्स जो है वो पेब्रिन डिसीज के होते हैं जो कि प्रोटोजोआ के जरिए कॉज की जाती है। इसके बाद बारी आती है आपका इसके मैनेजमेंट की, है ना। तो हमको जो है इसका डिसीज फ्री सीड लेना है, अर्थात एग्स जो है वो डिसीज फ्री होना चाहिए। फार्मलिन 3%, है ना, और उसके साथ साथ 5% ब्लीचिंग पाउडर, है ना, जिसके जरिए जितने भी रेयरिंग अप्लायंसेस हैं, रेयरिंग बास्केट हैं, रेयरिंग जो अप्लायंसेस हैं उनका हमको क्या करना है, डिसइंफेक्शन करना है। ब्लीचिंग पाउडर 4-5% जो है वो भी इफेक्टिव होता है। और जो जितनी भी डिसीज्ड लार्वी है पेब्रिन से उनको हमको उठा करके क्या कर देना है, जला देना है ना, उनको बर्निंग कर देना है। इस प्रकार से हेल्दी एग्स जो प्रोड्यूस करती हैं वही लार्वियों को हम लोगों को लेना है, हेल्दी एग्स लेने हैं, है ना, ठीक है। जितने भी रेयरिंग रूम्स हैं उनको डिसइंफेक्शन करना है, उनके यूटेंसिल्स को, अप्लायंसेस को, सबको हमको डिसइंफेक्ट करना है, हाइजीनिक कंडीशंस रूम पे रखना है, है ना, ठीक है। और जो है 2% फार्मलिन, है ना, ठीक है, इनक्यूबेशन के पहले, है ना, हमको डिसइनफेक्ट करना है सरफेस को डिसइनफेक्ट करना है कि ताकि जो है अंडे से जो लार्वी निकले उनको सही जगह मिले, है ना। 2% फार्मलिन से सरफेस डिसइनफेक्शन करना है और डिसीज्ड एग्स को, लार्वी को, प्यूपी को, मॉस को, बैड को, है ना, और जो फेशियल्स वगैरह उनके जो एक्सक्रीटा होते हैं उनको सबको कलेक्ट करके बर्न कर देना है या डिस्कार्ड कर देना है। तो इस प्रकार से ये डिसीजेस हो गए। डिसीज के बाद बारी आती है आपका एनिमीज की, है ना। तो प्रमुख रूप से ये चार एनिमीज दिखाई दे रहे हैं, यूजी फ्लाई, एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस, है ना, जो स्टेज ऑफ अटैक होता है ये सिल्कवर्म की, कैटरपिलर और कोकून्स के ऊपर यूजी फ्लाई अटैक करती है, डर्मेस्टिड बीटल, डर्मेस्टिस एटर, है ना, ये जो है कोकून्स स्टेज पे अटैक करता है, जबकि अपेंटेलिस स्टेटोनी, है ना, ये कैटरपिलर को अटैक करता है सिल्कवर्म के, जबकि वास्प
रेड एंट और अदर कई प्रकार के ऐसे बर्ड्स वगैरह हैं, है ना, जो कि कैटरपिलर को फीड करने का कार्य करते हैं। तो पहला है इसमें यूजी फ्लाई, यूजी फ्लाई जिसका साइंटिफिक नेम है एक्सोरिस्टा बोम्बाइसिस, है ना, ये ठीक है, ये डिप्टेरा ऑर्डर का इंसेक्ट है, है ना, और ये जो है सीरियस एंडो लार्वल पैरासिटाइड है, किसका, सिल्क वर्म का एंडो लार्वल पैरासिटाइड है, है ना, जो कि आपका क्या बोलते हैं प्रमुख रूप से ये जो है सिल्क वर्म इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाता है, है ना, ठीक है। और इसके सिम्टम्स देखेंगे आप तो जो है ब्लैक स्केयर या एक्स के ऊपर, है ना, जेंस ऑफ एक्स और ब्लैक स्केयर ऑन द सिल्क वर्म बॉडी, जो सिल्क वर्म बॉडी के ऊपर जो है ना ये क्या कर देता है, अपना अंडे दे देता है ना लार्वी के ऊपर, तो वो जो है आपका काले काले से स्पॉट्स से वैसे दिखाई देंगे, और उस जो एग दिया है मैगट ने, सॉरी इस फ्लाई ने, उससे मैगट निकलता है और उसके जो लार्वी के अंदर, है ना, ठीक है, ये घुस जाता है ना, तो मैगट इमरजेंस होल एट द टिप ऑफ द कोकून में आल्सो बी सीन, है ना, उसको अपन लोग मैगट इमरजेंस होल को देख सकते हैं कोकून के ऊपर, है ना। यूजी फ्लाई जो होती है वो क्या करता है, लास्ट इंस्टार पे जनरली इन्फेस्ट करता है ना, लास्ट इंस्टार लार्वी को, है ना, और उससे जो करने के बाद उस लार्वी से क्या होता है मैगट्स निकल जाते हैं, है ना, और उसमें कैसा होल दिखाई देता है, सर्कुलर होल दिखाई देता है, है ना। ये देखिए ये जो है ये आपका मैनेजमेंट का तरीका है। इसके बाद एक्सक्लूजन मेथड, मतलब उसको हटा करके एक्सक्लूड कर देना है, हटा देना है ना, मैकेनिकल कंट्रोल करना है। मैकेनिकल कंट्रोल कैसे करेंगे, यूजी ट्रैप, है ना, यूजी ट्रैप के जरिए जो है आपका इसका मैकेनिकल कंट्रोल करते हैं यूजी फ्लाई का। और जो नेसोलैंक्स थाइमस, ये जो दिख रहा है नेसोलैंक्स थाइमस, ये क्या है, बायो कंट्रोल एजेंट्स है ना, इसका भी एप्लीकेशन करके, इसका भी रिलीज करके जो है यूजी फ्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरे एनिमीज हैं डर्मेस्टिड बीटल, है ना, डर्मेस्टिड बीटल्स जिसका कि आपका साइंटिफिक नेम है डर्मेस्टिस एटर, ये किस पे, कोकून्स के ऊपर, है ना, सिल्कवर्म के कोकून्स और कोकून स्टोरेज रूम्स के ऊपर जो है अटैक करने का कार्य करता है, है ना। भाई बीटल्स जो होते हैं, है ना, स्टोरेज रूम से ग्रेनरेज, है ना, ग्रेनरेज और जो ग्रीन कोकून्स होते हैं, है ना, जो ताजे ताजे कोकून्स होते हैं और मॉस होते हैं, उनके ऊपर जाकर के ये बीटल्स जो है वो अटैक करने का कार्य करता है, है ना। ये देखिए बीटल्स की जो साइज है वो अच्छी खासी बड़ी होती है, है ना, ठीक है, 7 to 9 millimeters लॉन्ग होता है ना। और इसकी मैनेजमेंट की बात करें, ये डर्मेस्टिस का ही वो है, क्या है आपका ग्रब है, है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स को अपने अपनाना है, ये ना लगे इसका इंतजार कर वो करना है, हमको इंजाम करना है। मैकेनिकल कंट्रोल्स का इस्तेमाल करना है, केमिकल कंट्रोल करना है, जो आपका डेल्टा मैथ्रीन ट्रीटेड बैग है ना, जिनमें आपको कोकून्स को रखना है, स्टोर करना है, उन कोकून्स को डेल्टा मैथ्रीन से ट्रीट करना है, तो उसमें जो है डर्मेस्टिड बीटल का अटैक नहीं होगा। डस्टिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑल अराउंड द इनर वॉल ऑफ द रेयरिंग रूम टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द ग्रब्स, है ना, ग्रब्स के ना आए उसके लिए हमको जितने रूम है उस रूम पे हमको क्या करना है, ब्लीचिंग पाउडर का सब तरफ जो है छिड़काव कर देना है। देन उसके बाद है वास्प, रेड एंट और अदर पेस्ट, ये भी एनिमीज है, है ना। तो वास्प मतलब ततैया बर्र जिसको बोलते हैं ना, और कई प्रकार की जो बर्ड्स होती हैं वो जहाँ मलबरी का जो प्लांटेशन होता है वहां पे भी सिल्कवर्म की लार्वी दिखाई जाती है, तो बर्ड्स वगैरह उड़ करके आती हैं और उन लार्वियों को खा जाती है ना, ठीक है। खासकर जो अर्ली स्टेज की वर्म्स होती हैं, है ना, उसको बर्ड्स वगैरह वास्प वगैरह ये सब अपना फूड के रूप में खा लेती हैं, है ना। रेड एंट जो है ये भी है फर्स्ट स्टेज सिल्कवर्म लार्वी को ज्यादातर अटैक करता है ना, ठीक है। तो इनका जैसे वास्प का है, वास्प को कंट्रोल अपन लोग किया जा सकता है कि उसकी जो सिल्कवर्म रेयरिंग है ना, ठीक है, उसको नायलोन नेट से कवर कर दें, है ना। और वास्प के जितने भी हाइव्स होते हैं, है ना, वास्प के हाइव्स जो होते हैं जहाँ वास्प घर बना करके रहती है, उनके सबके हाइव्स को खत्म कर दें हम लोग, है ना। रेड एंट को जो है आपका जितने भी जो अपन लोग रेयरिंग रूम पे जहाँ रेयरिंग बेड वगैरह बना रखे हैं, है ना, उनको क्या करें, नीचे से ना एक प्रकार का एंट लॉयन बना दें, अर्थात कटोरियाँ रख लें जिनमें उनकी रेयरिंग बेड रहेगा, है ना, उसमें पानी भर दें तो चींटियाँ चढ़ेंगी नहीं, है ना। उनकी जो आपका रेयरिंग रूम में जो होते हैं ना, जहाँ पे अपन रेयरिंग कर रहे हैं, है ना, ठीक है। और जो है उनके जितने एंट्स के नेस्ट हैं, है ना, उनके जो घर वगैरह रहते हैं उनको हम जला दें, है ना, ठीक है। इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं
कि वास्प, रेड एंट्स और अदर पेस्ट का हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। आज की क्लास में अपन लोगों ने ये चीजें देखी कि कौन कौन सी प्रमुख डिजीजेस हैं और कौन सी एनिमीज हैं जो कि सिल्क वर्म इंडस्ट्रीज को और सिल्क वर्म के ऊपर लगती हैं और सफर जिससे सिल्क वर्म इंडस्ट्रीज होती है।